अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से, शुक्र से। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यार, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके कर लें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका भाई यार बड़ी मेहनत करता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे किया करो, शेयर किया करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो कमेंट में मुझे बताएं आपका मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे और व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको अच्छे से अच्छे व्लॉग देने की कोशिश करूंगा। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कि यार अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो ये जनाब अभी तक सो रही है। चेक करें इसका स्टाइल, ये अभी तक सो रहा है। ये 12:30 हो गई, उठ के नहा के पानी हो गई है सब, लेकिन जनाब पूरी नींद पूरी कर रही है। देखे स्टाइल है मेरा शहजादा भी, जब माशाल्लाह लाते हैं खेल देखे। चलते हैं कुछ जाके नाश्ता वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या है नाश्ते में। जाके तो वैसे ग्रीन टी पी ली है आज, कुछ नया ट्राई करके देखते हैं, कुछ हुआ तो खा लेंगे, नहीं तो ग्रीन टी पी लेंगे। चलो ये भी लिया है यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी, ये बड़ी मज़े की होती है। लेकिन मैं अभी नाश्ते में करने लगा हूँ दाल वाली रोटी और साथ ग्रीन टी, सही हो जाएगा। और ये हमारी रोटी होगी तैयार, ये दाल वाला पराठा कहते हैं इसको, बड़ी मज़े की होती है। तो आपको पतली सी, हाँ, मज़ेदार। ये मैं बैठा हूँ यार कब से घर में ही, बस बहुत गर्मी है इधर भाई। एसी लगाया हुआ है, 22 पे चल रहा है वो, और यहाँ पे लगा हुआ एक ड्रामा सा कॉमेडी वाला, वो देखा जा रहा था। और मेरा से ज़्यादा भी उठ के आ गया, अभी डेढ़ हो गया, तो अभी उठ के आया, अभी अजान नहीं हुई, अजान में भी 5-10 मिनट है। तो ये आ गई छोटी दुनिया, आयशा के पास बैठा हुआ है। हाँ जी आयशा साहब, तुम्हारे तो रिजल्ट आने वाला है, स्कूल भी खुलने वाले हैं आयशा के, अब तो स्कूल खुलने वाले हैं। हैं कब? मंडे को है, फिर स्कूल खुलेंगे मंडे को। अच्छा, ट्यूसडे को रिजल्ट। वो जी मंडे को स्कूल खुलेंगे और ट्यूसडे को रिजल्ट आएगा, क्या बनेगा? हैं अच्छा आएगा, अच्छा आएगा, अच्छा ना आया तो देख ले। जो कहे अच्छा रिजल्ट आएगा, जो कहेगी अच्छा वैसे होएगा, ठीक है। क्या कह रहे कि मैंने ना ट्यूसडे को छुट्टी करनी है, मैं स्कूल नहीं जाना रिजल्ट देखने के लिए, घर में देखना ऑनलाइन देखना है 9th का। अरे 9वीं के बच्चे तो गए, हमें क्या बनेगा ईशा का, जो किया वो ही आएंगे। मुझे लगता है ये कीड़े ही मार के आई है। हाँ मुझे पता है, इतनी भी बात नहीं है, लेकिन नहीं लेगी, एक रेट तो आ ही जाएगा कि नहीं। हाँ मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा मंगल को, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आएगा। या तो उस दिन गमी होगी या खुशी होगी आयशा के मुंह पे, उस दिन पीछे पार्टी होगी इधर। हैं लो जी डन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गई है जोहर की। ये यहाँ पे खेल रही हो गया, बड़ा जबरदस्त बादल काले काले आ गए हैं। वाह जी बारिश आने वाली है, हवा भी अब चल रही है सही, शुक्र है थोड़ी गर्मी कम होगी। बादल तो बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, हाय हाय हाय, चेक करे यार बादल। तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? नोनुआ यार मैं आया था छत पे जनरेटर चलाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, क्योंकि मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है। क्या अच्छी ठंडी हवा आ रही है, क्या करे ये देखे बादल। वो साइड से सारे काले बादल आ रहे हैं, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत गर्मी थोड़ी देर पहले 12 के करीब 12:30 के करीब बहुत गर्मी थी, अब तो हवा भी सही चल रही है। देखे हवा जबरदस्त हवा चल रही है, कवा भी आके बैठ गया, पता कि मेहमान शहमान आने लगे। ये देखें
भिंडी आ गई खाना शाना खा ली और ये हम शाम हुई है। ये साहब कह रहे हैं कि झूला दो बाइक पे, अभी अभी हम जा रहे हैं इस साहब जी को लेके ना झूला झुलवाने। बाय बाय कर दो, बाय बाय इधर से करो ना, इधर देख रहे हो बा, बस ये यही बोलता रहेगा बा बा। चलो चले, बाय बाय कर दो सामने, बाय बाय। क्या खा रहे हो हैं? क्या खा रहे हो? ये मैं नूडल्स खा रहा है। आए आए कैसे हैं? चिकन वाले चोरे चोरे वाले कैसे हैं? अच्छे हैं? खा के देखे कैसे होते हैं बच्चे वाले नूडल। आपको अच्छे लग रही है फीके? नहीं तो इसको थोड़ा देना चाहिए इसको लगे जरा मिर्चे हर जगह यार मैं खाने लगा था खाना, यार बड़ी भूख लग रही थी काफ़ी देर से ना, दोपहर का खाना खाया हुआ अब 8:30 बल्कि 8:30 हो गई, तो मैंने सोचा यार खाना शाना खा लें। तो ये बीफ पुलाव ये मैंने दोपहर को ट्राई नहीं किया था, मैंने भिंडियाँ खा ली थी, तो अब ये खा के देखते हैं। इसमें हम पहले थोड़ा सा ले रहे हैं रायता और हाँ ये चेक करें, जी यार खाना शाना खा लिया, तो आज का ब्लॉग करते हैं यार इधर ही, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तब तक अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मैं बाय इसलिए ब्लॉग बना एंड का एंडिंग कर रहा हूँ आगे, क्योंकि इसके पीछे जो है ना काका सो रहा है मेरा, ये देखिए। उन्हें दे रहा हुआ है तो वो फिर उठ जाएगा तो फिर बड़ा तंग करता है, वही सोता ही नहीं है अभी तो काफ़ी टाइम पर है। तो इंशाल्लाह मिल जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।